हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं बीकोमैक्सी फोर्ट टैबलेट की जानकारी लेकर आई हूँ। यह मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल टैबलेट है। यह अबॉट कंपनी द्वारा निर्मित है और शल्य चिकित्सा से पूर्व और पश्चात का उपचार बुखार, गंभीर जलन, गर्भावस्था और जठरांत्र संबंधी विकारों में इसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। अधिकांश उपयोगकर्ता इस दवा का प्रयोग जठरांत्र संबंधी विकारों के लिए करते हैं और इसे प्रभावशाली बताते हैं। इस टैबलेट को खाने के बाद ही इस्तेमाल करें और समस्या होने पर या स्थिति ज़्यादा खराब होने पर ही इस दवा का प्रयोग डॉक्टर के अनुसार करें। इसके कुछ दुष्प्रभावों में जैसे दस्त या खुजली या शरीर में सूजन जैसा कुछ महसूस होता है तो इसका इस्तेमाल बंद करके तुरंत डॉक्टर से सलाह करें। इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं और हर्बल सप्लीमेंट या विटामिन या एलर्जी जैसी बीमारियां और वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में जानकारी जरूर प्रदान करें, क्योंकि कुछ परिस्थितियां आपको दवा के दुष्प्रभावों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बना सकती हैं। इसलिए अपने चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार ही दवा का सेवन करें और इसकी खुराक आपकी स्थिति पर आधारित होती है। यदि आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है या यदि हालत ज़्यादा खराब हो जाती है तो भी आप अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। साथ ही अगर अति संवेदनशीलता और कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। बेकोमैक्स सी फोर्ट दवा के सेवन के बाद अगर निद्रा, चक्कर आना, निम्न रक्तचाप या सिरदर्द का अनुभव होता है तो गाड़ी या भारी मशीन चलाना सुरक्षित नहीं होता है। और यदि दवा खाने के बाद आपको नींद आती है या चक्कर आता है या आपका रक्तचाप बेहद कम होता है तो आप गाड़ी नहीं चलाएं। इस तरह की कुछ दवाओं को धीरे धीरे कम करने की ज़रूरत होती है या उन्हें तुरंत बंद नहीं किया जा सकता है। अपने शरीर स्वास्थ्य और आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य दवाओं के अनुसार सुझाव पाने के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। यदि कोई खुराक छूट जाती है तो याद आने पर जल्दी से खुराक का सेवन करें और आपकी अगली खुराक का सेवन निकट है तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और अपने खुराक का शेड्यूल दोबारा न दोहराएं। छूटी हुई खुराक की भरपाई करने के लिए अतिरिक्त दवा का सेवन न करें। निर्देशित खुराक का ही सेवन करें। उससे ज़्यादा का सेवन से लक्षणों में सुधार नहीं होगा बल्कि इससे विषाक्तता या गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। साथ ही इस तरह की दवाओं को सीधी गर्मी और सीधी रोशनी से दूर रखें और कमरे के तापमान पर रखें। दवाओं को फ्रिज में ना रखें जब तक कि अंदर दिए गए पैकेज के अनुसार ऐसा करने का निर्देश न दिया गया हो और दवाओं को बच्चों और पालतू जानवरों से भी दूर रखें। तो फ्रेंड, इस तरह से बीकोमैक्स सी फोर टैबलेट की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।